श्रीहरिकोट पीएसएलवी सी 55 रॉकेट प्रयोग जरुगुतोंदी लाइव चूद्दाम। And the PSLV C-55 has lifted off, flying past the tufts of clouds. P2 tracking. भव्य नजारा PSLV C-55 का सफलतापूर्ण उत्थापन। PSLV C-55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर। दर्शकों का उत्साह, यान के कंपन सब हम यहां महसूस कर रहे हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक होता है। यान पूरी तरह सामान्य और अपने उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The S-139 motor PS-1 developing nominal thrust of 4,800 kilonewtons. Shot is in main auto. Plus 1 minute. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडायनामिक संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। P2 चेंज रूट एसिपिटेट टू। द बर्न ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएसएलवी लास्ट्स फॉर 110 सेकंड्स। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए तथा करीब 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड, क्लोज लूप गाइडेंस इनिशिएटेड। प्लस 2 मिनट्स। प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल लोधक वाला चरण है उसे प्रज्वलित किया गया है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। क्विक सक्सेशन ऑफ सेवरल इवेंट्स। फर्स्ट स्टेज हैज बीन सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इग्निशन इज कंफर्म्ड। प्रेजेंटली द ऑल्टीट्यूड इज 80 किलोमीटर्स एंड वी आर 148 सेकंड्स फ्रॉम द लॉन्च। यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है यानी अपने सेंसर्स की मदद से अपनी दिशा निर्धारण कर रहा है। इस कड़ी में अगली घटना ऊष्मा कवच का पृथक्करण है। प्लस 3 मिनट। पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। Having cleared the dense atmosphere, the payload fairing has been jettisoned. PS2 stage is currently thrusting. ऊष्मा कवच के हट जाने के बाद और second stage performance normal. यान क्लोज लूप गाइडेंस तंत्र में काम कर रहा है जिसमें रेड जायरोस और एक्सेलरोमीटर की मदद से वर्तमान स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण करता है और उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता है। The PS2 stage is powered by highly reliable Vikas engine that develops 799 kilonewtons of thrust using the earth storable propellant combination of UH25 as fuel and N2O4 as oxidizer. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 150 सेकेंड का है। तत्पश्चात इसे शट ऑफ कर यान से पृथक कर दिया जाएगा। 150 सेकेंड्स इज द टोटल बर्न टाइम ऑफ PS2। सेकेंड स्टेज हैज बीन सेपरेटेड। करेंटली शारिन पोर्ट एयर काउंट स्टेशन ट्रैकिंग।
PS3 thrusting currently. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक पृथक्करण के पश्चात तृतीय चरण जिसे हम HPS-3 के नाम से जानते हैं उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य कार्य कर रहा है. यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर होता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ PSLV-C55 तृतीय चरण का प्रज्वलन काल लगभग 125 सेकंड का होगा. तत्पश्चात कोस्ट फेज की शुरुआत होगी. वी आर 325 सेकंड पास्ट द लॉन्च टाइम. थर्ड स्टेज ऑफ PSLV करेंटली थ्रस्टिंग डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट 240 किलो न्यूटन्स. दिस स्टेज विल इंक्रीज द रिलेटिव वेलोसिटी बाय 3 किलोमीटर्स पर सेकंड. And then it burns out and continues to coast along with the ongoing fourth stage and the payload. The burn time for HPS-3 is 125 seconds. यान के सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य निष्पादन करते हुए अब हम 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं. सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड. थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड. तृतीय चरण का कार्यकाल पूरा हो चुका है तथा कोस्ट फेज की शुरुआत हो चुकी है. व्हीकल इन कंबाइंड होस्टिंग. द कंबाइंड कोस्टिंग ऑफ PS-3, PS-4 एंड द सैटेलाइट इज करेंटली इन प्रोग्रेस. दिस कोस्ट विल लास्ट फॉर 200 सेकेंड्स फॉर दिस मिशन.